हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। नायका का एंड पर्पल का ये कंबाइन हॉल है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने पर्पल से ली थी और बहुत सारी चीजें मैंने नायका से परचेज की है, ठीक है। और कुछ एक दो चीजें ना मैंने किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर ली थी, उसका भी मैं रिव्यू जरूर से शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बॉडी वॉश, मेकअप एंड कुछ चीजें मैंने मतलब ऐसे ही ले ली, रैंडमली ले ली, पता नहीं क्यों ली, बट ले ली मैंने। ओके जी, अभी ऑब्वियसली एज यूजुअल मैं कोई भी क्या बोलते हैं पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में नहीं चलूंगी। जो मेरे हाथ में आएगा वो मैं आप लोगों को सीधा दिखा दूंगी, बिकॉज एक एक करके प्रोडक्ट्स आते गए और मैं इकट्ठे करती गई। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक फेस टोनर जो कि है विच इज फ्रॉम डॉट एंड की। यू कैन सी डॉट एंड की से मैंने एक दो चीजें परचेज की हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये टोनर, दिस इज डॉट एंड की का वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर के क्यूम्बर एंड ग्लाइकोलिक एसिड के साथ विद जेंटल AHAs, एल्कोहल फ्री फॉर्मूला है, विच इज ग्रेट सॉफ्ट पिंक ग्लो। पिंक ग्लो आई कांट से अबाउट दैट बिकॉज मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि मैंने इसको एक दो बार यूज कर लिया है। 150 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक टोनर, बट अगर आपकी स्किन के ऊपर पोर्स का इश्यू है, अगर आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रहते हैं, तब मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, बिकॉज इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है, मतलब जो AHAs हैं, मतलब वो जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ये काफी महंगा भी नहीं है, दिस इज फॉर 395 rupees एंड इसके ऊपर भी मुझे डिस्काउंट मिला था, आई गेस 20% ऑफ मुझे मिला था। एंड इसकी इनर बॉटल इज वेरी वेरी क्यूट, बहुत क्यूट लगी मुझे इसकी बॉटल। यू कैन सी मैंने इसको इतना यूज कर लिया, ये फुल नेक तक मतलब भरा हुआ था, इतना मैंने इसको यूज कर लिया है। दिस इज इन दिस प्लास्टिक काइंड ऑफ बॉटल। पैकेजिंग एज यूजुअल जो होती है ना डॉट एंड की, बहुत क्यूट लगती है मुझे, वैसे इसकी पैकेजिंग है। एंड वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर, यस आई कैन रिकमेंड यू गाइज की अगर आपको ट्राई करना है, सजेस्ट कर सकती हूँ, तो काफी अच्छा लगा मुझे ये। एंड ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है, हल्की फुल्की फ्रेग्रेंस रहती है, लेकिन ऑफकोर्स वो कुछ टाइम के बाद निकल जाती है। उसके बाद मैंने, क्योंकि डॉट एंड की बात करें तो डॉट एंड की से ही मैंने ये एक डॉट एंड की का डीप पोर क्लीन मिल्की फॉर्म क्लेंजर लिया विद सीवीड एंड लोटस फ्लावर के साथ। यू कैन सी इसकी पैकेजिंग भी काफी ब्यूटीफुल है, काफी स्काई ब्लू काइंड ऑफ पैकेजिंग, वेरी रिफ्रेशिंग इन दिस समर सीजन। वैसे मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ पैकेजिंग के बारे में, अच्छी मिल जाए तो दैट्स गुड, बट मुझे मेरा फर्स्ट जो रहता है वो इतना ज्यादा नहीं रहता फोकस। ओके, ये भी 395 rupees का था और ये कुछ 376 और 366 का मुझे मिला है। एंड इसका जो टेक्सचर है ना वो काफी क्रीमी, काफी मिल्की सा है और काफी फॉर्म अप हो जाता है, बट अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना, और अगर ड्राई स्किन है आपकी, तो मैं आपको दूर रहने के लिए बोलूंगी इस प्रोडक्ट से, बिकॉज इसके साथ फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई फील होती है। मुझे मतलब मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली कैटेगरी में है, मेरी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, एकदम वाइट सा फेस हो जाता है ना, तो इसलिए अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्सेस ऑयली स्किन है, तब आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई, वेरी ड्राई है, तो मैं आपको ट्राई करने के लिए नहीं बोलूंगी। इवन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है ना, तो भी मैं आपको नहीं बोलूंगी। अभी मैंने सिर्फ एक दो बार ही इसको यूज किया है। इसके ऊपर लिखा डीप पोर क्लीन मिल्की फॉर्म क्लेंजर, तो यार डीपली क्लेंस करता है बट एक्स्ट्रा ड्राई कर देता है स्किन को। इसी के साथ ना मुझे फ्री प्रोडक्ट जो मिला डॉट एंड की का, जो ऑलरेडी मेरे पास था, जो उन्होंने मुझे सेंड भी किया था, विच इज दिस डॉट एंड की का वाइटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। ये काफी क्यूट ट्रेवल साइज पैकेजिंग में मिलता है और ट्रायल भी बोल सकते हो, यू कैन सी इतना छोटू सा पैकेजिंग मेरे को मिला, बट ये ऑलरेडी है मेरे पास एंड सच में बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस मॉइस्चराइजर को, बहुत लाइट वेट है। ओके, उसके बाद है मेरे पास ये कोलगेट। मैं मेरे ख्याल से पहली बार चैनल के ऊपर दिखा रही हूँ ऐसी चीज़ें। ये कोलगेट का विजिबल वाइट ऑक्सीजनरेट वाइटनिंग वॉर्म्स एंड वाइटन्स टीथ इन 2 days। अभी मैंने 2 दिन से ही इसको यूज़ किया है, अभी इतना कुछ खास फर्क नहीं पता चल रहा, लेकिन ये काफ़ी महंगा आया। ये 50 ग्राम की ट्यूब जो है ना वो 250 rupees की है, या एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर कुछ खास डिस्काउंट भी नहीं था, और इतने बड़े डिब्बे में आई थी और इतनी सी ट्यूब ये बीच में से निकली थी, तो या मुझे ये काफ़ी छोटी लगी। लेकिन ये आपकी यूजुअल जो होता है ना पेस्ट के जैसा ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, लाइक बहुत ही ज़्यादा बबल्स से बना देता है, एकदम फॉर्म सा बन जाता है इसके साथ। ऑक्सीजनेटेड वाइटनिंग, ऑक्सीजनेटेड मतलब पता नहीं क्या कहते हैं, एक प्रॉपर ऐसे झाग सी बन जाती है। एंड ये आपका मतलब इसको आप एवरीडे यूज के ऊपर नहीं यूज कर सकते हो, ये कुछ इस तरह का कोलगेट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है SNP पेप्ट्रॉनिक
टोनर लिया है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था एंड रिसेंटली मैंने इसको देखा था, आकृति पता नहीं उनका नाम, मैं भूल गई हूँ, अभी उनकी वीडियोस में मैंने देखा था इसको, बहुत लाइक वो काफ़ी रेव कर रही थी इस प्रोडक्ट के बारे में। फिर मैंने और बहुत सारी वीडियोस यू नो देखी यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। और ये है क्या, बेसिकली दिस इज़ मेड इन कोरिया प्रोडक्ट एंड ये ब्रांड जो है ना ये कोरियन ब्रांड है। अभी ये नायका के ऊपर भी अवेलेबल है। जब मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी तो कुछ लोग मेंशन कर रहे थे कि अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है इस वेबसाइट से लो, बट मैंने इसको नायका से परचेज किया है। एंड दिस इज टोनर कंटेनिंग 6 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स एंड 5 टाइप्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड हेल्प्स मॉइस्चराइज एंड वाइटलाइज योर स्किन, टोनर टू प्रेप योर स्किन। ठीक है, इसमें लाइक आपको 6 तरह के पेप्टाइड मिल जाते हैं, 5 तरह के हाइलुरोनिक एसिड आपको इसमें मिल जाता है एंड ये इतनी ह्यूज बॉटल में आपको ये टोनर मिलता है। ठीक है, इसको आपने इसको डिफरेंट तरह से यूज करना है, इसको आपने कॉटन स्वैब के ऊपर नहीं लेके यूज करना। जब आपने फेस वॉश कर लिया एंड जब आपका फेस थोड़ा गीला है, थोड़ा वेट है, थोड़ा डैम्प है, डैम्प स्किन के ऊपर आपने इस टोनर को यूज करना है। लेट मी शो यू द कंसिस्टेंस, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, बहुत ही फ्लावरी सी, बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। सो ये कुछ इस तरह का टोनर है सी। ठीक है, बहुत रनी उस तरह से नहीं है जैसे टोनर्स होते हैं। सो ये सीरम एंड टोनर का बीच का एक यू नो कॉम्बिनेशन है एंड मुझे, मैं इसको काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ आजकल। मतलब मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो रही है, पिंपल्स भी, एक्ने वगैरह भी आ जाते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ड्राई भी हो रही है। सो मुझे है कि मेरी स्किन में इलास्टिसिटी एंड यू नो वो प्लम्पीनेस बनी रहे। चाहते हो ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स ना आए, आपकी स्किन के ऊपर अर्ली एजिंग ना शुरू हो जाए, तो उस केस में यू शुड डेफिनेटली ट्राई यू नो हाइलुरोनिक एसिड क्रीम बेस्ड या फिर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर या एसिड टोनर्स। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है, जो टेक्स्चर है, वेरी लाइट वेट। ठीक है, और मुझे इसको एज अ सीरम, एज अ टोनर मैं जैसे धोऊं की तरह ये काम करता है। फिर मैं अपना हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लूँ या डे टाइम में मैं सिर्फ अपना सनस्क्रीन लगा लूँ, उसी के साथ लाइक आई एम गुड टू गो। तो ये मेरी स्किन को प्रेप भी कर रहा है, मेरी स्किन को यू नो प्लम्प भी बना रहा है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और इसका जो प्राइस था ना आई थिंक 645 रुपीज़ के अराउंड मुझे मिला, तो मुझे तो ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग लगा। मतलब क्वान्टिटी, प्राइस पॉइंट, एवरीथिंग इज सो गुड एंड मेड इन कोरिया प्रोडक्ट है इट एंड इट्स नॉट हाई ऑन फ्रेग्रेंस की अगर आपको सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको सूट कर जाएगा तब भी आपकी स्किन को। ओके, इसी के साथ जो मैंने परचेज किया था ना दैट इज अगेन फ्रॉम कोरियन ब्रांड विच इज दिस वन थिंग मेड इन कोरिया। ये वन थिंग ब्रांड से मैंने परचेज किया है सेंटियला एसियटेक का एक्सट्रैक्ट। अब ये क्या होता है, ये ना एक कूलिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें जो सेंटियला एसिटिक का होता है, मुझे पता है मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट इसके फायदे बहुत रहते हैं स्किन के ऊपर। इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा ना तो मैंने अभी रिसेंटली अर्थ रिदम का वो सेंटियला एसिटिक का एसियटिका वाला मैंने एक यू नो सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर कुछ ऐसा जेल लिया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था व्हाइट कलर की क्यूट बॉटल में, ग्रीन कलर का प्रोडक्ट, वो मेरी स्किन को बहुत सूद करता है, बहुत काम करता है। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मियों में मेरी स्किन बहुत इरिटेट हो जाती है यू नो बिकॉज ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने वगैरह की वजह से, तो मुझे ये ट्राई करना था। ऑल्दो मैंने इसको ट्राई नहीं किया है अभी तक, मैंने सिर्फ SNP को ट्राई किया, इसको अभी मैंने ट्राई नहीं किया। यू कैन सी अभी ये सील्ड है प्रॉपरली, तो इसको भी मैं ट्राई करूंगी। ये काफी लिक्विडी से फॉर्म में है, यू कैन सी इसको, इसके ऊपर जो मेंशन किया ना कि आपने कॉटन के ऊपर लगा के लाइक कुछ टाइम के लिए रखना होता है ऐसे, तो इसको मैं जब यूज करूंगी तब दिखाऊंगी। एंड ये अफोर्डेबल नहीं था तो ये आया कुछ 945 रुपीज का। यस, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये वेजलिन का समर सन प्रोटेक्ट एंड कामिंग बॉडी सीरम लोशन विद SPF 30। मुझे एक अच्छा ऐसा ही कोई प्रोडक्ट चाहिए था स्पेशली मेरी बॉडी के लिए। ठीक है, अभी मॉइस्चराइजर जो मैं अभी यूज़ कर रही थी ना लोकल मार्केट से पैराशूट के मैंने परचेज किए थे कोकोनट वेरिएंट में, वो मेरे टोटली फिनिश हो गए थे, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं एक्स्ट्रा यू नो केयर ना करनी पड़े, मॉइस्चराइजर नहाने के बाद लान लगाऊं फिर सनस्क्रीन अप्लाई करूं, तो दोनों मतलब 2-in-1 प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए थे। तो मुझे अभी पता नहीं ये शायद न्यूली लॉन्च ही है वेजलिन की तरफ से, और इसमें ना नीम एक्सट्रैक्ट है।
ठीक है। अभी गर्मियों में स्किन इरिटेट हो जाती है, पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, वो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो उस तरह से भी ये प्रोटेक्ट करता है बिकॉज इट हैज नीम एक्सट्रैक्ट। एंड जो इसका फॉर्मूला है दैट इज सो ग्रेट, लाइक नॉन स्टिकी एंड मैटिफाइंग कर देता है, मॉइस्चराइज हाइड्रेट करता है स्किन को, लेकिन चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। एंड क्योंकि इसमें SPF 30 है तो मतलब सोने पर सुहागा, मॉइस्चराइज भी करेगा एंड आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट भी करेगा। सी एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग एंड मैटिफाइंग। सी मुझे ये काफी पसंद आया और इसकी बहुत एक रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है, वो भी काफी काफी सूदिंग है। सो या ये मुझे काफी पसंद आया और ये काफी सस्ता भी था, 449 रुपीज इसकी MRP, लेकिन 25% इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिला। तो ये तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, गर्मियों के मौसम में ये ले लो बिकॉज SPF 30 है, स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, मॉइस्चराइज हाइड्रेट सब चीजें कर देता है। उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों रैंडमली ये दो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए माई ग्लैम से, और आज तक मैंने माई ग्लैम से कुछ भी ट्राई नहीं किया था, तो मैंने मुझे काफी अफोर्डेबल लगे ये प्रोडक्ट्स माई ग्लैम के। सबसे पहले तो मैंने लिया ये माई ग्लैम का कॉम्पैक्ट, काफी सस्ता मिला ये, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। दिस इज माई ग्लैम लिट रेडियंट मैट कॉम्पैक्ट, और ये इस तरह की राउंड पैकेजिंग में आपको मिलता है एंड इसमें आपको बहुत अच्छा पफ मिल जाता है, मिरर भी मिल जाता है। एंड ये शेड आई थिंक इसमें 2 या 3 या 4 शेड्स अवेलेबल थे, मैंने ये वाला शेड लिया, इसको मैंने ना हल्का सा कल ट्राई करके देखा था। तो सी सो ये क्योंकि अफोर्डेबिलिटी में काफी अच्छा मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट है और 9 ग्राम प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, शेड इसके ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे भी, तो मुझे शेड नहीं पता, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी। सो ये आउटर बॉक्स इसकी इस तरह की थी, और इसी के साथ मैंने माई ग्लैम की ये लिपस्टिक ली है, ये काफी देखी होगी ना, मैंने काफी देखी इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेशली माई ग्लैम लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक, ये आप देखिए इस तरह का, एंड ये मुझे काफी अच्छा लगा था ये वाला शेड, ऑल्दो जो स्क्रीन के ऊपर शेड दिख रहा था और जो एक्चुअल में शेड है काफी डिफरेंट है। तो दिस इज शेड LM 38 एंड इंस्टा ग्रैंड स्टैंडिंग ऐसा कुछ नेम है, काफी पतला पतला छोटा छोटा लिखा हुआ है। सो दिस इज द शेड, मुझे ऐसे ब्रिक ब्राउन कलर काफी प्यारे लगते हैं, लाइक थोड़ा इनका ब्राउन अंडरटोन है, ब्रिक रेड कलर का ये शेड है, काफी प्यारा शेड है ये, काफी अच्छा लगा। और ये लिपस्टिक ना काफी लॉन्ग लास्टिंग है एंड बहुत सस्ती भी है, बहुत महंगी नहीं है, ठीक है। एंड लिप्स को हल्का सा मॉइस्चराइज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफकोर्स ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है। आज जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, ये दिस इज फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज, कफ्स एंड लैशेज की 06 वारी जावा शेड लगाया हुआ है मैंने, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड एंड ट्रांसफर प्रूफ है, काफी ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन है कफ्स एंड लैशेज लिक्विड लिपस्टिक का स्पेशली, एंड काफी कंफर्टेबल है ना। मैंने यहाँ पे लिया है ये लव अर्थ ब्रांड से किस एंड टेल मल्टी पॉट लिप चिक आईलिड क्रीमी मैट, यू कैन सी ये वाला, ठीक है। मैंने अभी तक ना मतलब ये ऐसे लिप एंड चीक पॉट काइंड ऑफ मैंने नहीं ट्राई किए थे, वो मैं ना एक चीज बताती हूँ, वो मैं इसलिए नहीं ट्राई किए थे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों के साथ आपके पास बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं या क्रीमी लिपस्टिक्स हैं, तो आप उनके साथ काम चला सकते हो बिकॉज हर अगर आपके साथ ढेर सारे लिपस्टिक्स हैं, मेरे पास ढेर सारे लिपस्टिक्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं लगी। बस ये मुझे शेड काफी प्यारा लगा, लाइक ये मेरा काइंड ऑफ मेरा इट्स लाइक माई काइंड ऑफ शेड, तो मैंने इसको परचेज कर लिया और ये काफी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा था, लाइक ना नायका के ऊपर जो सेल लगी थी ना उसमें 50% ऑफ वाला एक कॉर्नर था, लाइक कुछ ऐसा चल रहा था, तो वहां पे जितने जितने प्रोडक्ट्स थे मैंने काफी ट्राई किए हैं। सो या दिस इज द ब्यूटिफुल शेड, लेट मी शो यू, सी काफी ब्यूटिफुल सा शेड है ये, मुझे इसको थोड़ा सा सी दिस इज द शेड, मॉवी सा शेड है, पॉट के ऊपर काफी डार्क लगता है जब पिगमेंटेशन इसकी काफी पिंकी सी हो जाती है। सी ब्यूटिफुल सटल सा शेड है। सो या ये लिप एंड चीक पॉट लिया मैंने, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी अगर आप लोगों के पास 10, 12, 15 लिपस्टिक्स भी है ना, अगर आपके पास हर तरह का शेड है जो आपको पसंद आता है, तो आपको ऐसा जितना क्रीमी पॉट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, तो आप उनको भी मतलब हैंड के ऊपर लगा के यहां से आप करके तो हल्का हल्का ऐसे अप्लाई कर सकते हो।
ओके जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नायका का हॉल हो गया है फिनिश। अब मैं बात करती हूँ पर्पल से जो मैंने चीज़ें परचेज की है। बहुत सारी चीज़ें नहीं परचेज की, लाइक बहुत सारी चीज़ें परचेज की लेकिन अलग अलग कैटेगरी की नहीं परचेज की है। अभी यू नो चल रही है कुछ पता नहीं, पर्पल के ऊपर वैसे तो यूजली सेल चलती रहती है। शावर जेल्स ली हैं, और ये ना मैंने निधि कटियार की वीडियो अभी रिसेंटली उन्होंने देखी थी, उन्होंने रेकमेंड किए थे मतलब कुछ शावर जेल्स, तो मुझे बाय वन गेट वन पे मैंने सभी वेरिएंट्स ले लिए, मतलब बहुत सस्ती मिल रही थी। सो ये पहले तो मैंने लिया है ये सूदिंग, जो निधि कटियार ने यू नो रिकमेंड किया था वो लिया है मैंने, सूदिंग शावर जेल मरीन एल्गे। मैंने अभी नहा के नहीं देखा है, तो अभी बॉटल ऐसे पैक ही है, बिकॉज अभी ट्राई करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है या नहीं रहता है। और उसके बाद मैंने लिया गुड वाइब्स की है ये बाय द वे हाइड्रा बूस्ट शावर जेल, ये वाली लिली वेरिएंट में। फिर ये आइस क्रश शावर जेल, ठीक है। और फिर मैंने ली है ऑरेंज एंड ब्लॉसम लेमन ग्रास, सभी मैंने गर्मियों को ध्यान रख के ली है, मतलब सब फ्रेश फ्रेश, अगर मुझे लेमनी सिट्रसी बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंसीज हो। फिर मैंने ये प्लेन लेमन ली है, ठीक है जी। सो बेसिकली मैंने यू नो पांच ये शावर जेल्स ली हैं गुड वाइब्स की, क्योंकि इनके ऊपर बाय वन गेट वन ऑफर लगा हुआ था। सो काफ़ी सस्ती पड़ी है, 249 इनकी एमआरपी है, और बाय वन गेट वन के ऊपर मैंने इनको परचेज किया है। काफ़ी वेरिएंट्स इसके मैंने सभी लेने की कोशिश की, जो आउट ऑफ स्टॉक थे बस वो नहीं ले पाई, बाकी सभी मैंने ले लिए हैं। और या ट्राई करके देखूंगी कि कैसे ये काम करते हैं शावर की, मतलब कितना ये फॉर्म अप होता है, कितना लैदर अप होता है, और यू नो या फिर मतलब कितने अच्छे से नहा पाती हूँ मैं इनको लेके। ओके जी, उसके बाद मैंने लिया है ये रोल ऑन फ्रॉम गुड वाइब्स, ये मतलब पांच थी ना, तो बाय वन गेट वन के ऊपर मैंने ये भी ले लिया। सो ये नरिशिंग डिओड्रेंट सीका एंड मिल्क, मैंने हालांकि दूसरा वाला लेना था मुलेठी वाला लिकोरिस वाला जो स्पेशली निधि ने रिकमेंड किया था, बट मैंने ये वाला ले लिया क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करके देख लेती हूँ। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी बड़ा है ये, यू कैन सी रोल ऑन, बट एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। सो बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एक घंटा भी मतलब मुश्किल से आपका निकलता, लाइक सिर्फ एक घंटे तक आपका ये लास्ट करता है, और ना ही ये ऑर्डर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ना ये मैटिफाइंग करता है। सो इसमें है 89% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड नो सल्फेट्स नो पैराबेंस, सीका एंड मिल्क है, मतलब सीका लाइटन्स पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस, वाइल्ड मिल्क डीपली नरिशेज एंड मॉइस्चराइज द स्किन एनरिच्ड विद द गुडनेस ऑफ सच इंग्रेडिएंट्स, दिस रोल ऑन अ डिओड्रेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड जेंटल केयर ऑल डे लॉन्ग, इट सूज एंड काम स्किन, वर्क्स एफिशिएंटली फॉर सेंसिटिव स्किन, गो ऑन शो वर्ल्ड योर जेंटल साइड। ओके, मैंने इसको ना स्पेशली अभी पहले मैं डिसअपॉइंट हो गई थी इसको लेके, कि मुझे लगा मैंने मतलब पैसे वेस्ट कर लिए, बिकॉज इतना फ्रेग्रेंस पे भी ये हाई नहीं है और काफ़ी लास्ट नहीं करता काफ़ी लंबे समय तक, एंड ठीक लगा मुझे, एवरेज प्रोडक्ट लगा। देन मुझे आया दिमाग में मेरे कि जब मैं वैक्सिंग करती हूँ अपनी अंडरआर्म्स में या फिर मैं जब शेव वगैरह करती हूँ उस टाइम पे यूज़ करने के लिए ये काफ़ी सूदिंग एंड काफी कामिंग प्रोडक्ट है, लाइक बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ सीका एंड यू नो मिल्क, तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा प्रोडक्ट। पहले मुझे ये मतलब एक दो दिन मैंने जब यूज़ किया ना मुझे लगा कि यार मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, ना ही ये ऑर्डर को कंट्रोल करता है, ना ही ये लॉन्ग लास्टिंग इसकी कोई खुशबू वगैरह आती है, बट देन इसको मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, तो इसको अगर आप फॉर दैट यू नो पर्पज लेना चाह रहे हो स्पेशली कि आपको फ्रेग्रेंस के लिए या फिर ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, नॉर्मल बेसिक सा मतलब सूदिंग एंड कामिंग के लिए चाहिए, स्पेशली अगर आप वैक्सिंग के बाद आपकी अंडरआर्म्स बहुत इरिटेट हो जाती है शेविंग के बाद, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये काफी सस्ता है एंड काफी नेचुरल है। और या मुझे इसके साथ ये शैम्पू फ्री मिला पर्पल की परचेजिंग के ऊपर, वेला का ये सी आर ऑयल रिफ्लेक्शंस, ये ट्रायल साइज मुझे शैम्पू फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, कॉम्प्लीमेंट्री मिला। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। और भी कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है, कोई भी आपका यू नो है दिमाग में कोई चल रहा है कुछ भी, तो आप नीचे कॉमेंट डाउन कर सकते हैं।